कहने को तो शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है, लेकिन आज भी शहर में तकरीबन 450 बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें झोपड़पट्टी का नाम दिया गया है। विकास के नाम पर सरकार ने इन बस्तियों में रहने वालों की जमीन तो ले ली, लेकिन अब तक पुनर्वसन की व्यवस्था न की जाने से वह बेघर हो गए हैं। राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर वैसे तो दिन ब दिन विकास की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। सौंदर्यीकरण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच 450 ऐसी बस्तियां हैं जिनका इस वजह से जीना मुहाल हो चुका है। देश में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम कीमत में लोगों को घर दे रही है ताकि कोई भी बेघर ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें तो कुछ और ही है। नागपुर शहर के कई हिस्सों में झोपड़पट्टियां बसी हुई थी जिसे सरकार ने खाली करवाकर उन्हें पुनर्वसन का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति को घर नहीं दिया गया। आज वो लोग दरबदर हो गए हैं। कई बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा तो कईयों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे ही बेघर मासूमों की बुलंद आवाज बनकर सामने आए हैं जन बदलाव पदयात्रा। इस एनजीओ का उद्देश्य मात्र यही है कि अगर एक व्यक्ति का उससे घर छीन लिया जाए तो बाकी 450 बस्ती वाले भी उसके लिए डटकर खड़े होकर अपना हक ले सके। रविवार शाम 5 बजे जनबदलाव पदयात्रा एनजीओ के पदाधिकारियों ने संविधान चौक पर झोपड़पट्टियों में रहने वाले नागरिकों के साथ संबोधन किया, उनकी समस्याएं जानी और उस पर एकता के साथ हल निकालने की बात तय की है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। जैसे एक आप लोग भी अलग अलग बस्तियों से आए होंगे, एक बस्ती थी, वो एक बस्ती में बहुत सारे घर थे। तो एक दिन एक डाकू आया वो बस्ती में, और जो एक पहला घर था वो डाकू ने वो पहले घर में आके बहुत सारी चोरी कर ली। तो बाकी के जितने भी लोग थे सब एकदम आराम से थे, चलो एक घर पे चोरी हुई है ना, बाकी घरों में तो चोरी नहीं हुई है। दूसरे दिन दूसरा डाकू आया, उसने वापस से 2-3 घरों पे चोरी की। बाकी के लोग एकदम आराम से बैठे थे, चलो 2-3, 3-4 घरों पे चोरी हुई है, हमारे घर पे नहीं आएगी। करते करते से 3-4 डाकू आए और पूरा गांव, पूरी जो जितनी भी बस्ती थी वो पूरी लूट डाले। एक अकेला घर बचा था, वो मदद के लिए पुकार रहा था कि आओ मेरी मदद कर दो कि डाकू आएगा और मेरा भी घर लूट लेगा करके। पर कोई लोग गया नहीं क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें गलती किसकी है? वो डाकू की गलती है या हमारी गलती है? हमारी गलती है, हमारी गलती है ना। तो ये गलती को सुधारना काम किसका है? चलो अच्छी बात है, लोग अभी जाग चुके हैं, लोगों को सही में बदलाव चाहिए। और ये जो हमने जो चालू किया है जन बदलाव पद यात्रा, इसमें हम लोग हर एक घर जाएंगे, हर एक घर की समस्या पूछेंगे, हर एक परिवार से बात करेंगे कि क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं जब नागपुर में 450 बस्तियां हैं, जब ये 450 बस्तियों के लोगों को एक साथ लेकर आएंगे ताकि आगे चल के किसी एक का घर भी टूटे तो वो 450 लोग, बस्तियों के लोग, वो एक घर के लिए आके खड़े होंगे। तो जन बदलाव पदयात्रा का यही सोच है और यही सोच में हम चाहते हैं कि आप सब लोग शामिल हो और हमारा साथ दो। धन्यवाद। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।